स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्रामर का पेज नंबर 34 पढ़ना है आज। इसमें आज हम ग्रामर में ने और को का इस्तेमाल सीखेंगे। किसी भी जुबान को सीखने के लिए उसके कुछ कवायद होते हैं, कवानीन होते हैं, जिनको सीखने के बाद उस जुबान का बोलना, इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। उर्दू में भी इसी तरह के, जैसे आप इंग्लिश के लिए ग्रामर सीखते हैं और उसमें मुख्तलिफ अलामात सीखते हैं, इसी तरह से उर्दू में भी, उर्दू जुबान में भी मुख्तलिफ अलामात हैं और उनमें से ने और को का इस्तेमाल जो है ये मुख्तलिफ जगह पर कैसे होता है, किस तरह से होता है, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, ये आज हम पढ़ेंगे। उर्दू जुबान में ने फाइल की अलामत है, फाइल काम करने वाले की। इसके इस्तेमाल में एहतियात जरूरी है। ने मुतअद्दी अफ़ाल में फाइल के साथ इस्तेमाल होता है। बेटा, आपने ये जो कुछ कवानीन लिखे हुए हैं, इसमें से जो बातें मैं आपको कहूंगी कि ये आप अंडरलाइन कर लें, तो वो आपने अपने पास पेंसिल रखनी है, और जिस लाइन के लिए मैं कहूँ कि यहाँ पर आप अंडरलाइन करें तो आपने करना है, और फिर वो अंडरलाइन वर्ड को ही बाद में याद करना है, उन्हीं फिक्रों को याद करना है। सारा पेज याद नहीं करना, ना ही उसको पढ़ना है, इसको समझें बस। आप एक दफा गौर से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फेल मुतद्दी के माजी मुतलिक, माजी करीब, माजी शकिया के साथ ने इस्तेमाल होता है। जैसे उसने ने किताब पढ़ी, आप इसको अंडरलाइन कर लें। हमजा ने खत लिखा, मुदस्सर ने कुरान पढ़ा। ये तीनों फिक्रे जो हैं आप अंडरलाइन कर लें। आपको एमसीक्यू में अगर ये आएंगे तो इसी तरह से या इनका इस्तेमाल गलत बताया होगा और आपने दुरुस्त जुमले की निशानदेही करनी होगी। बाज़ मुतअद्दी अफ़ाल ऐसे हैं जिनके साथ ने नहीं आता, मसलन लाना, बोलना, बावजूद, यानी बोलना के अफ़ाल में मुतअद्दी होने के बावजूद ने इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से अफ़ाल लाज़म के साथ, अफ़ाल लाज़म के फ़ाइल के साथ ने इस्तेमाल नहीं होता, जैसे दौड़ाया, रवैया, चला, भागा के साथ ने नहीं आता। बाज फेल लाजम ऐसे हैं जिनके साथ, जिनके फाइल के साथ ने आता है, जैसे अजीज ने तोड़ा, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, रुकैया ने पकाया, चाहना, मस्तर के फेल के साथ ने आता है। अगर फाइल दिल, तबीयत, जी हो तो ने इस्तेमाल नहीं होता, जैसे दिल चाहा तो जरूर आऊंगा, तबीयत चाही तो चला जाऊंगा, जी चाहा तो आऊंगा। इन तीनों को भी अंडरलाइन कर दें। दिल चाहा तो जरूर आऊंगा, तबीयत चाही तो चला जाऊंगा, जी चाहा तो आऊंगा। अब ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं। इसमें ने आप लोग देख रहे हैं कि ने का इस्तेमाल नहीं है। आप ये नहीं लिखेंगे कि दिल ने चाहा तो जरूर आऊंगा, तबीयत ने चाही तो चला जाऊंगा, जी ने चाहा तो आऊंगा, इस तरह गलत हो जाएंगे। इसमें ने का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए दिल चाहा तो जरूर आऊंगा ये दुरुस्त लिखा हुआ है, तबीयत चाही तो चला जाऊंगा ये भी दुरुस्त लिखा हुआ है, जी चाहा तो आऊंगा। और जब आपको एमसीक्यू में ये आएंगे तो फिर इसके साथ
बाकी जो जुमले दिए जाएंगे उनमें से आपने दुरुस्त की निशानदेही करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर दिल, तबीयत या जी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे ने का इस्तेमाल नहीं होता उन जुमलों में। तो इस तरह से यानी कि आपने इनको इस्तेमाल करना है कि कहाँ पे ने इस्तेमाल होता है और कहाँ पे ने इस्तेमाल नहीं होता। मुझ और तुझ अगर फाइल हो तो ने नहीं आता, लेकिन इनके साथ कोई सिफ्त हो तो फिर ने इस्तेमाल होगा। मुझ बदनसीब ने ये नहीं किया था, तुझ शरीफ ने ये क्यों कहा। इनको भी अंडरलाइन कर लें। मुझ बदनसीब ने ये नहीं किया था, तुझ शरीफ ने ये क्यों कहा। मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल गलत है, जैसे अमजद ने कराची जाना है, मैं ने किताब पढ़ना है, हम ने हज करना है। ये बेटा ये गलत जुमले दिए गए हैं, इनको दुरुस्त करके लिखने को अगर आपसे कहा जाए तो देखें, अमजद ने कराची जाना है, इसकी दुरुस्त फॉर्म ये होगी, अमजद को कराची जाना है। अब ये यहाँ ने का इस्तेमाल गलत है, मैं ने किताब पढ़ना है, ये गलत है, मुझे किताब पढ़ना है दुरुस्त है। आपने सिर्फ दुरुस्त जुमलों को ही अंडरलाइन करना है और दुरुस्त को ही याद रखना है, आपने गलत को मार्क नहीं करना और ना ही गलत को याद रखना है। जब आपको दुरुस्त याद रहेगा तो आप एमसीक्यू में से दुरुस्त को ही फिर टिक कर सकोगे। हमने हज करना है, ये गलत जुमला लिखा हुआ है, हमें हज करना है। अमजद को कराची जाना है, मुझे किताब पढ़ना है, हमें हज करना है। इनको अंडरलाइन करें, ये इनकी दुरुस्त फॉर्म है। अब मैं अगर आपसे दोबारा पूछूं तो आपने मुझे बताना है, को का इस्तेमाल जिस तरह ने का इस्तेमाल है इसी तरह उर्दू जुबान में को का इस्तेमाल भी बड़ा अहम है, और इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। हर जुमले में हर जगह को का इस्तेमाल नहीं आता, बस जुमलों में किस तरह से आता है ये अभी आपको कुछ मिसाल के तौर पर जुमले लिखकर बताए जाते हैं। उर्दू जुबान में को मफूल की अलामत है, ने फाइल की अलामत है, तो को मफूल की अलामत है। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि को किसकी अलामत है। जब किसी जुमले में मफूल आकिल जानदार हो तो उसके साथ को जरूर आता है, जैसे उस्मान ने शागिर्द को पढ़ाया, मैंने फरहान को देखा। इन दो जुमलों को आप अंडरलाइन करें और इनमें को का इस्तेमाल देखें, इसको समझें। उस्मान ने शागिर्द को पढ़ाया, मैंने फरहान को देखा। अगर किसी जुमले में मफूल बेजान हो तो को नहीं आता, जैसे मैंने किताब पढ़ी। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने किताब को पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, तारिक ने अखबार खरीदा। आप ये नहीं कहेंगे कि तारिक ने अखबार को खरीदा। अगर इन जुमलों में को का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत गलत हो जाएगा। उसी तरह से मुरक्कब मस्दर जो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वहां पे भी को का इस्तेमाल गलत है, जैसे कमर बांधना की बजाय कमर को बांधा, हिम्मत हारना की बजाय हिम्मत को हारना गलत होगा। हिम्मत हारना ये दुरुस्त लफ्ज लिखा हुआ है, कमर बांधना ये दुरुस्त लिखा हुआ है, बस आपने दुरुस्त ही को याद करना है, दुरुस्त ही को जहन में रखना है। अगर किसी जुमले में जानदार ज़ुअलकूल और दो मफूल हों तो इनमें से दूसरे मफूल के साथ को इस्तेमाल करना ठीक होगा, ना कि दोनों मफूलों के साथ को इस्तेमाल किया जाए, जैसे उसामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया, ये दुरुस्त लिखा हुआ है, उसामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया। बेटा आज के लिए यानी इतना काफी है कि आप ने और को का इस्तेमाल, फिर इससे आगे हम फेल की फाइल के साथ मुताबिकत के तौर पर
ये अगला पेज है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ ने और को का इस्तेमाल काफी है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ आया है। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं तो आप लोग मेरे सामने हैं, मैं आप लोगों से भी पूछ सकती हूँ। मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन करूं तो वो जवाब दे। जी इरामनान बेटा, आप बताएं, अपना अनम्यूट करें आप अपना माइक। चलें, बच्चे तो भाग ही गए हैं। बेटा इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, आप जैसे देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, कि आपने सिर्फ इस जुमले को मैंने बोलना है, उसने नए किताब पढ़ी, तो आपने मुझे बताना है कि मैंने दुरुस्त जुमला बोला है या गलत बोला है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अमजद ने कराची जाना है, तो आप उसमें दुरुस्त बोलेंगे कि अमजद को कराची जाना है। मैंने किताब पढ़ना है, मैं गलत बोल रही हूँ, आप बताएंगे कि मुझे किताब पढ़ना है, हमने हज करना है, आप कहेंगे हमें हज करना है। इस तरह से, यानी कि आपको यहीं से इसी पेज के ऊपर से आपके सामने, आपने सामने देख के आंसर बोलना है। कोई जुबानी में ऐसी कोई चीज नहीं पूछ रही जो आप लोगों को महसूस हो रहा हो कि हमसे गलत हो जाएगा या हम नहीं जवाब दे सकते। तो इस तरह मुझे भी तो पता चला कि आप लोगों को क्या समझ आया क्या नहीं आया। जिस तरह मैंने आपसे ये बताया, मैंने आपको कि दिल तबीयत जी इनके साथ ने का इस्तेमाल नहीं आएगा। दिल चाहा तो जरूर आऊंगा, तबीयत चाही तो चला जाऊंगा, जी चाहा तो आऊंगा। इस तरह से, यानी कि मैं अगर इसको गलत करके बोलती हूँ तो आपने उसको दुरुस्त करके सामने से देखकर बोलना है कि ये दुरुस्त जुमला क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना या बोलना है। तो अभी मेरे ख्याल में कि आप सबको सही तरह से अच्छी तरह से ने का इस्तेमाल आ गया होगा और को का इस्तेमाल भी आ गया होगा। अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि उस्मान ने शागिर्द को पढ़ाया, मैंने फरहान को देखा। फेल की फाइल के साथ जो मुताबिकत है, फेल लाजम आमतौर पर अपने फाइल के मुताबिक आता है। फाइल के वाइद और मुजक्कर मोनस होने की सूरत में इसके साथ इसके मुताबिकत से इस्तेमाल होगा, फेल भी इसके मुताबिक होगा। जैसे अली आया, लड़के भागे, लड़की दौड़ी। यानी हमने जब वाइद जमा को देखना है जुमले में और उसकी के हिसाब से अगला लफ्ज इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम कहते हैं कि केला खाया, तो अगर हम केला की जगह, ये वाहिद है केला लफ्ज, इसकी जगह हम केले लिखते हैं तो केले खाए, केला खाया, केले खाए, मैंने केले खाए, यास्मीन ने केला खाया। सबा ने रोटी खाई, हमने रोटी खाई, सायरा ने उमर को मारा, उमर ने सायरा को मारा, शेरयार ने बकरियों को मारा, लड़कियों ने कुत्ते को मारा। फाइल अगर इसमें जमा हो तो फेल वाइद आएगा, जैसे फौज ने हमला किया, जमात कराची चली गई,
रेवड़ जंगल में चर रहा है, इनको आप अंडरलाइन कर दें। फौज ने हमला किया, जमात कराची चली गई, रेवड़ जंगल में चर रहा है। इसी तरह से जब दो या ज्यादा हरूफ अतफ इकट्ठे आए तो फेल जमा आएगा, जैसे हसीब, मुनीब और मुजीब आए। अब ये नहीं लिखते कि हसीब, मुनीब और मुजीब आया, इस तरह तो नहीं ना लिखते आप लोग। आप खुद भी, आपकी सेंस काम कर रही होती है कि हसीब, मुनीब और मुजीब आए। साद और इदरीस दोनों आ गए, जैसे आप लोग लिखते हैं जब किसी जगह बहुत से इसम आए तो फेल आखिरी इसम के मुताबिक होगा, जैसे 10 जग, 5 प्लेटें, 1 गिलास टूट गया। अब ये नहीं लिखते कि 10 जग, 5 प्लेटें, 1 गिलास टूट गई, मतलब आपने आखिरी लफ्ज को देखना होता है, उसके मुताबिक आगे आपने वाइजा जमा का लफ्ज लगाकर उसको पूरा करना होता है। 10 जग, 5 प्लेटें, 1 गिलास टूट गया। अब ये देख लें, उसी जुमले को थोड़ा सा बदल कर लिखा जाए तो उसमें फिर आखिर में उसी के हिसाब से आखिरी लफ्ज में 1 गिलास, अब तरतीब बदल दी गई है इसमें, 1 गिलास, 5 प्लेटें, 10 जग टूट गए। अब यहाँ पे 1 जग अगर होगा तो टूट गया, 10 जग हैं तो टूट गए, यानी आखिरी लफ्ज को आपने देखना होता है। आखिरी लफ्ज अगर वाइद है तो आप आगे भी फिर फेल जो है वो वाइद के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, अगर आखिरी लफ्ज जमा है तो आप जमा के हिसाब से आखिरी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत से इसम एक जगह आए और फेल एक और आखिर में सब कुछ बढ़ा दिया जाए तो फेल वाइद मुज़क्कर आएगा, जैसे सामान, मकानात, दुकानें, सब कुछ जल गया। अगर किसी जुमले में जमीर जमा मुतकल्लम हम फाइल हो तो मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही फेल आता है, जैसे औरतों औरतों ने कहा हम आते हैं, क्योंकि हम का इस्तेमाल आ गया है तो हम जहां पे भी इस्तेमाल होगा तो वहां पे हम आते हैं। मर्दों ने कहा हम आते हैं, औरतों ने कहा हम आ गए हैं, मर्दों ने कहा हम आ गए हैं, लड़कों ने कहा हम आ गए हैं, लड़कियों ने कहा हम आ गए हैं, यानी कि जहां पे हम का लफ्ज इस्तेमाल होगा बेटा तो वहां पे वो जमा ही आएगा। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम सलाम। चलिए यहाँ पे आएगा नहीं कि लड़कियों ने कहा हम आ गए ही हैं। नहीं, हम के लिए ना हम आते हैं, हम आ गए हैं, इस तरह का लफ्ज आएगा। हम के लिए या नहीं, आपने हम के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जैसे आप लड़कियों में उस जुमले में हम इस्तेमाल ना हो तो लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, लड़कियों ने कहा हम आते हैं, लड़कों ने कहा हम आते हैं, जब हम इस्तेमाल हो गया तो फिर उसके बाद आपने हम के हिसाब से उसको उसी तरह इस्तेमाल करना है। अब आपके समझ में आ गया, यानी औरतों ने कहा हम आती हैं ये नहीं लिखेंगे आप, दुरुस्त जुमला होगा औरतों ने कहा हम आते हैं, मर्दों ने कहा हम आते हैं, ये आएगा।